आज बनाएंगे हम सिंपल कुर्ता। हाँ, और मैं आपको बताऊंगी इसकी कटिंग। ये कपड़ा है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। कुर्ते का नाप है, लंबाई 36। सबसे पहले अपन लंबाई नाप लेंगे। तो अपनी लंबाई 36-38 आ रही है, तो ये आराम से लंबाई इसकी बैठ जाएगी। फिर कुर्ते की कटिंग करने से पहले जो सीट वाला हिस्सा है उसे देखना है। तो सीट अपनी 39 है, तो 39 का हाफ कर लेंगे। फोर्थ वाला हिस्सा अपन को इसके अंदर चाहिए, तो ये 39 का हाफ हिस्सा हो गया 19.5 यानी 90.5, और इसका भी हाफ करेंगे तो ये होगा 9.5, 10 इंच। तो 10.5 इंच के अंदर 1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, तो ये देख लेंगे अपन, ये 11 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे, तो ये अपना आराम से बन जाएगा। तो इस तरह सबसे पहले शुरुआत करने से पहले लंबाई नाप लेते हैं, तो लंबाई बराबर है। फिर ये शोल्डर वाला हिस्सा नापेंगे, तो इसका ये रहेगा 6 पे ये निशान लगेगा। दूसरा नाप लगेगा ये आर्म होल का, जिसको सादी भाषा में अपन शोल्डर का भी कह सकते हैं। यहाँ पे सीने का नाप लगेगा, तो सीना अपना है 40, तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से है, सीना 40 है, तो 40 का हाफ कर लेंगे। 40 से 40 का हाफ 20 आएगा, और 20 का हाफ होएगा 10। इस तरह से ये निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये 10 है, 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, तो ये 10 है, 2 इंच मार्जिन। फिर ये निशान लाइन को सीधी खींच लेंगे। निशान यहाँ से 7 का लगाएंगे, और एक 30.5 का, ये सीने का नाप है। अब लगाएंगे हम कमर का नाप। कमर का नाप है 36 इंच, तो 36 इंच का आधा होता है 36 है, इसका आधा होगा 18। 18 का भी आधा करेंगे 9, तो ये 9 होएगा। 9 के अंदर 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, ये अपना फिक्स नाप है, और ये 2 मार्जिन छोड़ेंगे, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे अपन 11 पे। अब अपनी सीट है 39, तो 39 का भी इसी तरह से सेम यही पैटर्न रहेगा। 39 का हाफ करेंगे, तो हाफ ऐसे होगा 19.5 हो रहे हैं। फिर 19.5 का आधा करेंगे तो 10.5 हो रहा है, तो 10.5 के अंदर 1 इंच यहाँ सीट का मार्जिन छोड़ेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 इंच मार्जिन छोड़ना है, पर यहाँ पे 1 इंच मार्जिन छोड़ना है। 10.5 का होगा 11.5। शोल्डर वाला ये है, इसके अंदर 1.5 इंच की
1.5 इंच का नाप लगेगा ये गोलाई के लिए। जी गोलाई ले लो।